गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले घंटे लगातार हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जांच और पड़ताल करेंगे, हर तस्वीर आपसे साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में ओमाइक्रॉन की रफ्तार लगातार तेजी पकड़ रही है। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है। बुधवार को महाराष्ट्र में 85, राजस्थान में 23, गुजरात में 19, तमिलनाडु में 11 और आंध्र प्रदेश में 10 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को राजधानी में एक ही दिन में कोरोना के 923 नए केस सामने आए हैं। पिछले 7 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां कोरोना के संक्रमण दर 1.29% हो गई है। दिल्ली के साथ ही मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार खतरनाक तेजी से ऊपर जा रही है। यहां बुधवार को 24 घंटे में कोरोना के 2510 नए केस सामने आए। मुंबई एक बार फिर रेड जोन में आ गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुलगाम और अनंतनाग इलाके में जारी ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय हैं, जबकि बाकी 2 की पहचान की जा रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 1 M4 और 2 AK-47 राइफल भी बरामद की है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। मोदी आज उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम पानी, घर, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले 14,127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रदेश सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी पीएम के कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश में है। पार्टी के कई बड़े नेता हल्द्वानी पहुंच गए हैं। 3 महीने में पीएम मोदी का उत्तराखंड में ये 4th दौरा है। वहीं इसी महीने पीएम मोदी का ये 2रा उत्तराखंड दौरा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है यूपी के चुनावी संग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं। सीएम योगी के आज गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत में कार्यक्रम हैं। योगी गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। योगी की एक जनसभा भी है। महाराजगंज में भी मुख्यमंत्री योगी विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद उनका पीलीभीत में कार्यक्रम है, जहां वो विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीलीभीत में भी सीएम योगी बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा करेंगे। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिम भी जमकर हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया है बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दिया। कन्नौज में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा, अयोध्या में बीजेपी राम मंदिर का निर्माण कर रही है, इसलिए मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को उनके वोट नहीं चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगे की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इन कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत अशांति फैलाने की नीयत से कार में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार को कानपुर में काफिला गुजरने के बाद नौबस्ता थाना क्षेत्र के हमीरपुर जाने वाली सड़क पर पीएम मोदी का पुतला फूंक कर बीजेपी का झंडा लगी कार में तोड़फोड़ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जांच में पता चला कि ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। चुनाव आयोग के लखनऊ दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम सुबह 10 से 11 बजे के बीच मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची है। इस दौरान टीम ने मैराथन बैठकें की। टीम ने चुनाव तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ साथ सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की। चुनाव आयोग की टीम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के बाद जब निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली पहुंचेगी, उसके बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां उनके नेतृत्व में विजय मार्च निकलेगा। इसके अलावा कल और 1 जनवरी को वो पटियाला और अमृतसर का दौरा करेंगे। गौरतलब है हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के किलों को भेद कर 14 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के खाते में 12 और कांग्रेस के खाते में 8 सीट आई थी। आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित है। वो इसे पंजाब विधानसभा में जीत का दरवाजा मान रही है और आज इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल विजय मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद अब रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो घाटी से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुलगाम और अनंतनाग इलाके में जारी ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया गया। कुलगाम में मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं अनंतनाग में भी मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 1 M4 और 2 AK-47 राइफल भी बरामद किए। फिलहाल दोनों ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों में, अनंतनाग में और कुलगाम में सेना ने आतंकियों का एनकाउंटर किया है, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कुछ मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईशान मानी मेरे सहयोगी सुबह सुबह इस खबर पर अपडेट देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान, वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी कामयाबी है सेना के लिए और इससे आतंकियों का मोराल भी कहीं ना कहीं जरूर गिर रहा होगा। गुड मॉर्निंग। देखिए, पुलिस कह रही है कि उनके लिए एक मेजर सक्सेस है, क्योंकि 6 मिलिटेंट्स का मारा जाना एक रात में और एक ऑपरेशन में, जरूर पुलिस को इसके कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि पुलिस जो है लगातार ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है, जो कि कल DGP ने टाइम्स ऑफ नवभारत को भी बताया था कि वो जो है इंटेंसिफाई कर रहे हैं अपने ऑपरेशन, ताकि इस साल खत्म होने से पहले कुछ नंबर जो है वो अभी खत्म हो और ये भी पता चले कि जो अभी टारगेटिंग लिंक्स हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जाए। तो इसी देखते हुए कल 2 ऑपरेशन जो है लॉन्च किए गए थे, कुलगाम में और एक अनंतनाग में। तो कुलगाम वाले ऑपरेशन में जो है 3 मिलिटेंट मारे गए थे और सर्च ऑपरेशन जो है रात को ही खत्म कर दिया गया था, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी जो है उनमें शामिल था। ये इसके पास एक M4 राइफल भी मिली है, जो कि यूएस आर्मी भी यूज करती है M4 राइफल, काफी एडवांस हथियार है। हालांकि पहली बार जो है नहीं मिला है ये राइफल ये मिलिटेंट से, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान के जो एसोसिएट मिलिटेंट्स होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे मिलता है।
एक M4 राइफल और एक M47 राइफल जो है वहां से बरामद हुई है, और उसके बाद अनंतनाग में जब गोलीबारी हुई तो एक पुलिस का कर्मी और एक आर्मी का जो है सेना का जो है कर्मी वो भी घायल हुआ था, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन वहां पे एक्सचेंज ऑफ गन फायर होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंट जो है भाग चुके हैं, लेकिन रात भर पूरे कॉर्डन रखा गया और एक्सचेंज ऑफ गन फायर जो है लगता है आज सुबह ही हुआ है, जिसके बाद वहां पे भी 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। अब उसमें से आर्मी कह रही है कि एक पुलिस कह रही है कि एक पाकिस्तानी भी है, लेकिन दो और की आइडेंटिटी जो है वो पता लगाई जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो है 6 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स को मारा गया है। जी ईशान, ईशान बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी कामयाबी है सेना के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और आतंकियों का मनोबल ऐसे ही टूटता रहे, यही उम्मीद हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को श्रीनगर से कुछ ही दूर पर हैदरपुरा में आखिर क्या कुछ हुआ था? घाटी में 3 नागरिकों और एक पाकिस्तानी आतंकी की हत्या को राजनीतिक दलों ने फेक एनकाउंटर बताया था। उपराज्यपाल ने इस एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, और अब टाइम्स नाव नव भारत के पास जांच की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिससे ये साफ हुआ है कि एनकाउंटर को फेक बताकर सुरक्षा बलों को बदनाम करने की कोशिश की गई घाटी में। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के हैदरपुरा में 15 नवंबर की शाम को हुए एनकाउंटर की जांच कर रही SIT ने सुरक्षा बलों को क्लीन चिट दे दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIT ने मंगलवार को कहा कि एनकाउंटर में मारे गए आम नागरिक की जान पाकिस्तानी आतंकी ने ही ली थी, जबकि आतंकियों की शरण स्थली बनी बिल्डिंग के मालिक अल्ताफ भट्ट को उन्होंने ह्यूमन शील्ड यानी मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अल्ताफ अहमद भट्ट और आमिर मार्गे क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन इस बीच आमिर मार्गे से जुड़े कुछ अहम सच सामने आए हैं। आमिर मार्गे आतंकियों के लिए ही काम कर रहा था और उसी ने पाकिस्तान के आतंकी को बिल्डिंग में पनाह दी थी, लेकिन विपक्ष आज भी इस मामले पर सवाल उठा रहा है। So there are so many loopholes in this whole, you know, botched up investigation. This is the justice that has been meted out to Kashmiri. Anyone who had any semblance or an iota of hope left in the democratic and judicial process feels very saddened today. Very saddened. This is heartbreaking. You know, you kill Kashmiris. You know, there is mayhem all around, and no one claims the dead. SIT की रिपोर्ट के मुताबिक मार्गे उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहता था। मार्गे की जानकारी के बिना पाकिस्तानी आतंकी का दूसरी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन था। पाकिस्तानी आतंकी और मार्गे दोनों ही बांदीपोरा से थे, जिसका सच भी जांच रिपोर्ट में सामने आया है। उनको जब इसकी रिपोर्ट मिली वहां पर वो पहुंचे और उनको ये पता चला कि वहां पर एक फॉरेन मिलिटेंट है। इसकी हमने पहले ही डिमांड की थी कि ये जो इंक्वायरी है ये इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, लेकिन वो बात तो नहीं मानी इन्होंने। तो खुद ही ये मुंसिफ हैं, खुद ही इनके गवाह हैं, तो पता था कि जो रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं वो इनके ही हिमायत में आएगी। तो हम इस रिपोर्ट को जो है इस SIT की रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते हैं, और ये डिमांड हम करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि जुडिशियल प्रोब उठाई जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे एक इस चीज़ से ऐसे मामला से जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है, और जम्मू कश्मीर में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक जो गैप इससे पैदा होता है, कहीं उसको ब्रिज करने की जरूरत है। जल्द से जल्द हमारी डिमांड है कि आप इसमें जुडिशियल प्रोब उठाइए। शुक्रिया। टाइम्स नाउ नव भारत के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो फेक एनकाउंटर के झूठ को बेनकाब करती है। इसमें चश्मदीदों के बयान भी हैं, जिनकी पहचान छिपाई गई है। चश्मदीदों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने 3 लोगों को बिना किसी दबाव के अंदर जाते देखा था। चश्मदीदों के मुताबिक पहली गोली भी बिल्डिंग के अंदर से ही चली थी, जहां आतंकी छिपा हुआ था, जिसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। सुरक्षा बल ग्राउंड फ्लोर पर घर के इकलौते दरवाजे के बाहर मौजूद थे, तो वहीं इस फायरिंग में मारे गए नागरिकों के शव पहली और दूसरी मंजिल पर मिले। इस एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों के परिवार वालों का आरोप था कि अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल को पुलिस ने जानबूझकर मारा है। वहीं पुलिस ने दोनों पर आतंकियों का मददगार होने का आरोप लगाया था। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी SIT को दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब बात सियासत की। केंद्र के मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर आज अलग अलग जगहों पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे उन्नाव में गृहमंत्री की जनसभा होगी। आखिर में लखनऊ में अमित शाह शाम 7 बजे संगठन की बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर मंत्रियों, पदाधिकारियों और नेताओं से बातचीत करेंगे। तो यूपी में चुनावों से पहले पूरा का पूरा बीजेपी काडर इस काम में लगा हुआ है कि जनता के बीच जाए, अपने किए गए कामों को बताए, समझाए और गिनाए, ताकि चुनावों में ज्यादा बेहतर
तरीके से प्रदर्शन हो पाए। और ये देखिए जो अमित शाह का आज का कार्यक्रम है, दोपहर 12 बजे वो मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगे, इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे मुरादाबाद से उन्नाव का रुख करेंगे, वहां भी एक जनसभा होनी है जहां पर वो लोगों से बातचीत करेंगे। शाम को 7 बजे यूपी की राजधानी लखनऊ में संगठन के साथ एक बैठक होनी जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। तो यूपी में शाह का जो ताबड़तोड़ एक्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, आनंद प्रधान, ये तमाम जो बड़े नेता हैं यूपी के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स नवभारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें लाकर बहुमत में आकर सरकार बनाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, रात में कर्फ्यू तो दिन में रैलियों का रैला क्यों, शादियों में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति तो फिर रैलियों में लाखों की भीड़ कैसे जुट रही है, आम जनता पर सरकार पाबंदियां लगा रही है लेकिन रैलियों पर रोक कब लगेगी, क्या सिर्फ गाइडलाइन से रुकेगा कोरोना या रैलियों को रोक पर रोक लगाना भी जरूरी है, नेता वर्चुअल रैलियां क्यों नहीं कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और देखिए। ये 5 तस्वीरें सिर्फ यूपी चुनाव की रैलियों की ही नहीं है, ये तस्वीरें सिर्फ इन पार्टियों के जनादेश नेताओं की लोकप्रियता को ही नहीं दर्शाती बल्कि ये तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस तरह इंसानी जान को दांव पर लगा रही है ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि नेता कोरोना के खतरे से आगाह नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सच जानते हुए भी सभी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें, हां सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें। चुनाव का उत्साह है लेकिन सचेत कोई नहीं है, सावधानी और सतर्कता नहीं है और चेहरे पर मास्क तो बिल्कुल भी नहीं, 2 गज की दूरी क्या होती है लोग भूल ही गए हैं और ये सब प्रधानमंत्री की रैली में हो रहा है। जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवन और जीविका बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रैली पर रैली किए जा रहे हैं, कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री के काम की तारीफ कर रहे हैं लेकिन अपने ही राज्य में दोहरी नीति अपना रहे हैं। देखिए ओमिक्रॉन दुनिया में कई जगह पर बहुत फैला है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया, अभी सबसे बड़ा चीज है अनुपयोगी सरकार को हटाना। अखिलेश यादव तो कोरोना को कुछ मान ही नहीं रहे, उन्हें तो बस सरकार बनाने की पड़ी है। अखिलेश जी की पत्नी और बेटी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। ऐसे में अब तो कम से कम इन्हें कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए, अपनी विजय यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए, चुनावी विजय के लिए लोगों की जान को दांव पर लगाना छोड़ देना चाहिए। इट इज अ पोटेंशियली वेरी डेंजरस थिंग। आई थिंक आल्सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी think clearly about our vaccine strategy. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. Rahul Gandhi ne angrezi mein bahut achhi baat kahi, keh rahe hain sambhavit roop se omicron khatarnak cheez hai lekin teesri lehar ki sambhavna ko nakarte hue apni party ki rallyon par rok hi nahi laga rahe. अब नेताओं की इस दोहरी नीति पर कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या, बस यही कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है क्योंकि ये तो नेताजी हैं, इनसे कोरोना डरता है, इनकी रैलियों में नहीं आता है, सिर्फ रात में निकलता है और इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाकर जिम्मेदारी की इतिश्री कर दी गई है। अब आपको एक अजीब इत्तेफाक दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 27 दिसंबर को घोषित करते हुए उद्घोषणा की कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 प्रभावित है
लेकिन इसी तारीख को अमित शाह हरदोई में रैली करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रैली को संबोधित करते हैं, अखिलेश यादव उन्नाव में विजय यात्रा निकालते हैं। मंगलवार को हरदोई में भीड़ देखकर अमित शाह फूले नहीं समा रहे थे। मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा, जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, अमित शाह को मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी नजर लोगों के चेहरों पर नहीं गई जहां से मास्क मिसिंग था। उन्हें यह क्यों नहीं समझ आ रहा था कि अगर इसी भीड़ में एक आधा मुंड कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो रैली में आया ये रेला संक्रमण के खतरे में आ जाएगा। पीएम की कानपुर की रैली में भी लोग हाथ में भगवा झंडा और सिर पर टोपी लगाकर पहुंच गए, लेकिन अधिकतर लोग मास्क लगाना ही भूल गए। इसी दिन अखिलेश यादव ने भी उन्नाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश बाबू, बदलाव होगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आपकी इस भीड़ से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जरूर पैदा होगा। इन नेताओं को सोचने की जरूरत है, कोरोना पर दोहरी नीति को ठुकराने की जरूरत है, क्योंकि अगर चुनावी रैलियों की वजह से तीसरी लहर आ गई तो खुद को ये माफ कर पाए या ना कर पाए, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब याद रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और नए साल के मौके से यानी 1 जनवरी 2022 से आप अपने फेवरेट न्यूज चैनल टाइम्स नाउ भारत को स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी SD में देख सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें लगातार जा रही हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।